मैं हूँ तेज प्रताप यादव। आज हम चलेंगे डिज्नीलैंड मेला। आइए चलिए हमारे साथ, मैं आपको लेकर चलता हूँ डिज्नीलैंड। गांधी मैदान में डिज्नीलैंड मेला लगा है और पूरे बिहार के लिए, समझिए कि खासकर पटना के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सौगात है डिज्नीलैंड मेला, और खासकर बच्चों के लिए तो बहुत बड़ा चीज़ है डिज्नीलैंड मेला। तो आइए हम चलते हैं डिज्नीलैंड मेला, और डिज्नीलैंड मेला में कौन कौन सा झूला है और क्या क्या चीज़ है, खाने पीने की क्या क्या स्टॉल वगैरह सारी लगी हुई है, उसको हम आपको, हमारे जितने एलआर ब्लॉक के सब्सक्राइबर हैं, जितने व्यूवर्स हैं, मैं आपको दिखाने का काम करूँगा वहाँ। आप चलिए हमारे साथ। तो मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ डिज्नीलैंड, और डिज्नीलैंड में क्या क्या कुछ नया आया है, क्योंकि पहले जो डिज्नीलैंड मेला लगता था तो हम लोग बचपन में हम लोग जाया करते थे डिज्नीलैंड मेला, और वहाँ हम लोग देखा करते थे कि तरह तरह का झूला वगैरह रहता था, खाने पीने का स्टॉल वगैरह सारा रहता था, फिर और भी जो गेम्स से रिलेटेड रहता सारा चीज़ वहाँ रहता था, शॉपिंग का भी स्टॉल वगैरह सारा वहाँ रहता है। तो अभी क्या कुछ नया है डिज्नीलैंड मेला में, तो वहाँ हम आपके जितने भी बिहार के लोग हैं या पटना के लोग जितने भी आए हैं, उत्साह रहता है लोगों के मन में रहता है कि डिज्नीलैंड मेला जाएं। और ख़ासकर अभी है कि गर्मी की छुट्टियां भी चल रही हैं, तो स्कूल से भी बच्चे लोग हैं, जितने लोग हैं सारे लोग मेला जा रहे हैं और मेला जाने का काम कर रहे हैं, और मेला में पूरे तरीके से जो यहाँ की सरकार भी जो है वो पूरे तरीके से अच्छे से व्यवस्था वगैरह सारा चीज़ की है। एक बार चल के देखते हैं कि हमारे पटना के जितने भी लोग हैं और जितने भाई लोग हैं, जितने तमाम लोग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, तमाम लोग, जितने लोग हैं सब मेला में किस तरीके से आनंद लेने का काम कर रहे हैं। और हमारे जितने फॉलोवर हैं और हमारे जितने भी एलआर ब्लॉक के जितने जो सब्सक्राइबर्स हैं, हम ये कहेंगे कि आप भी एक बार मेला जाइए, अगर आपके पास समय है, फुर्सत है, तो आप मेला जा करके मेला का आनंद लेने का काम कीजिए। आइए चलते हैं मेला की ओर। अब कुछ ही देर में हम डिज्नीलैंड मेला पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितना क्राउड है और आगे यहाँ ट्रैफिक भी लगा हुआ है। हम कहेंगे कैमरामैन को तो कि थोड़ा सा ट्रैफिक का व्यू दिखा दीजिए। यहाँ पे गेट लगा हुआ है और पटना के जितने भी यूथ्स हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं, सब यहाँ पे मेला का आनंद लेने के लिए, मेला को एंजॉय करने के लिए, डिज्नीलैंड मेला में हम आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि आगे झूला, आप देखिए कि किस तरीके से झूला लगा हुआ है पूरे पटना। हम तो कहेंगे पटना के अलग अलग ज़िला में भी, पटना के अलग अलग ज़िला से सब यहाँ पे आए हुए हैं। अब पूरे यंगस्टर, पूरे यूथ यहाँ पे आए हुए हैं। ज़बरदस्त यहाँ क्राउड है, आप देख सकते हैं डिज्नीलैंड मेला में, डिज्नीलैंड मेला जो लगा हुआ है यहाँ पे, पूरा यंग यूथ का पूरा ज़बरदस्त रहता है यहाँ पे क्रेज। और डिज्नीलैंड मेला जो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं बच्चे लोगों का ज़्यादा भीड़ रहता है आगे। अरे ये झूला बहुत डेंजरस झूला है, इस पर कौन चढ़ेगा? आप देख सकते हैं कि फैन फॉलोवर्स हैं। और पहले हम टिकट लेंगे, टिकट काउंटर की तरह, टिकट काउंटर। एलआर ब्लॉग देखती है मेरा एलआर ब्लॉग। ये टिकट लिया हमने, आइए आप हमारे साथ। हमने टिकट ले लिया है मेला का, डिज्नीलैंड मेला का, और इसको हम घुमाएंगे और अपने जितने भी सब्सक्राइबर उनको दिखाएंगे, क्योंकि फिलहाल तो पूरा फैन फॉलोवर आ रहे हैं यहाँ पे सेल्फी लेने के लिए। आइए हम ऊपर से आपको कौन कौन सा झूला है वो आपको हम दिखाने का काम करेंगे अभी आपको। आइए कि बचपन में जब मैं आया करता था डिज्नीलैंड, जब लगा करता था तब मैं घूमा करता था यहाँ पर। ये सर सोलेम्बो झूला है।
क्या सोलैम्बो? सोलैम्बो झूला, ये हाइड्रोलिक उठता भी है, अच्छा, डाउन भी होता है। अच्छा, ये सोलैम्बो झूला है, हाइड्रोलिक उठता भी है, डाउन भी होता है, ये अपने आप ये टोरा टोरा जिसको बोला गया है, ये वो झूला है। एक कोलंबस झूला हुआ करता था, कोलंबस, अब उधर बच्चे लोगों के लिए है। ये ब्रेक डांस झूला हो गया सर। हाँ। ये बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंटरटेन कराने के लिए झूला है सर। ये ब्रेक डांस जी, ब्रेक डांस झूला सर। उसके बाद सर आगे आते हैं सर, इंटरटेन कराने के लिए। बिल्कुल सर। और एक हम देखेंगे कि ये भी कुछ जी बच्चे सर, के लिए जिम बना बच्चा हुआ के लिए, ये चाइनीज टोरा टोरा हो गया सर। अच्छा, चाइनीज जी, चाइनीज टोरा टोरा सर। और ये हो गया सर अपना टावर झूला। अच्छा, सेफ्टी है जी? सेफ्टी है सर, पूरा सेफ्टी है, 60 फीट ही हाइट रखा गया है सर इसका। 100 का टिकट है। और कितने लोग बैठ सकते हैं एक बार में? 100 टिकट। चाय जिसको पीना हो उसका काउंटर भी यहाँ लगा हुआ है, चाय आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग ब्लॉक है। कुल्हड़ का बढ़िया चाय, कुल्हड़ का अच्छा चाय रहता है। और इस पे एक बार कुल्हड़ का बढ़िया चाय जो है आप बनाइए ना चाय, कुल्हड़ का चाय है ये। और यहाँ से पूरा मेला का पूरा व्यू दिख रहा है आपको, कैसे मतलब कि पूरा गर्मी लग रहा है, लेकिन गर्मी लग रहा है फिर भी ये बैठ करके यहाँ पे खड़े होकर के घंटों घंटों इनको चाय बना रहा है। गर्मी तो पूरा रहता होगा, कैसे ये सब कर लेते हैं आप? आदत है, मेहनत करना है, जिस तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, विक्की जी मेहनत कर रहे हैं, तमाम लोग, पूरी टीम मेहनत कर रही है, तब जा करके हम लोग को सफलता मिलता है। और अभी हम चाय का चुस्की लेंगे आपको, आप चाय दीजिए, चाय पिलाइए, चाय पीजिए। आप मेला में, डिज्नीलैंड मेला में ज़्यादा यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, ले लीजिए, काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोवर्स यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं और चाय का मज़ा ले रहे हैं हम लोग। एलआर ब्लॉग देखते हैं आप लोग? एलआर ब्लॉग देखते हैं? एलआर ब्लॉग हाँ, तो एलआर ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अब चाय गिर जाएगा, गर्म है चाय, चाय गर्म है, गिर जाएगा, ले लीजिए, ले लीजिए, एक बार भैया, एक बार ले लीजिए, 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 लीजिए। अच्छा, इधर बताइए ये क्या है? ये वाला दिखा रहे सर, ड्रैगन ट्रेन है ये। ड्रैगन ट्रेन हाँ, बच्चों के लिए। अच्छा, बच्चों के लिए फैमिलियर राइड है सर। अच्छा, फैमिलियर राइड है। ये अंडर वाटर फिश वाला है जी, ये इस एक्सपो में हम लोग चलेंगे। हमारे फैन फॉलोअर्स हैं, है ना जी? एलआर ब्लॉग देखते हैं? एलआर ब्लॉग इसमें अंडर वाटर टनल है। अच्छा, ये अंडर वाटर टनल बना हुआ है, इसमें तरह तरह की अलग अलग प्रजातियों की मछलियां हैं। अब ये देख सकते हो कि अंदर में छोटा छोटा मछली है ये टनल में अंदर में। अब सीधे व्यू हम आपको दिखा रहे हैं एलआर ब्लॉग पे, और आप देख रहे हैं एलआर ब्लॉग। हमारे जितने भी फैन फॉलोवर्स हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। स्टार फिश है ये। अच्छा, ये स्टार फिश है, ये गोल्डन फिश है, ये देख सकते हैं कितना जबरदस्त सबसे व्यू आ रहा है, ये सबसे जबरदस्त लग रहा है, ये लग रहा है जैसे सोना है ये पूरे तरीके से, इस समुद्र का सोना है ही, जल का जीरा है, सोना है, सोना। मेरा ब्लॉग पे सीधे आपको व्यू हम दिखा रहे हैं, पटना डिज्नीलैंड मेला जो लगा है। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और हम आपको यहाँ का सीन दिखाने का काम कर रहे हैं, फैन फॉलोवर भी सब लोग हैं यहाँ पे उपस्थित हैं हमारे। ये सर जेबरा फिश है। अच्छा, जेबरा क्रॉस। अच्छा, जेबरा की तरह इस पर वो लाइन है, लाइनिंग है इस पर जेबरा की तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पे जेबरा फिश भी है, लाइनिंग दिया हुआ है इसके ऊपर, लाइन है, इसको जेबरा फिश कहा गया है। अगर आपने इस यूनिक चीज़ को नहीं देखा है तो आप आकर के तुरंत देखिए इसको। और ये देखिए कितनी बड़ी मछली है, कितना जबरदस्त आ रहा है ये मछली को आप देखिए। हाँ, देख लीजिए, ये गांव में जैसे टेंगड़ा नहीं होता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये टेंगड़ा फिश है। लेकिन ये अच्छा, ले लीजिए, फैन फॉलोवर्स हैं। अरे, ये तो क्रैब है। अच्छा, ये हम आपको दिखाते हैं एलआर ब्लॉग पे, आप देखिए ये क्या क्रैब है, ये क्रैब फिश हो गया। ये अपने एलआर ब्लॉग के माध्यम से आपको स्टार फिश डिज्नीलैंड मेला में आपको दिखाने का काम कर रहे हैं हम। ये देखिए स्टार फिश, ये देखिए ये बड़ा वाला देखिए स्टार फिश, एक उधर अंदर भी है, एक स्टार फिश देखिए यहाँ छिपका हुआ है, एक देखिए यहाँ, ये रहा स्टार फिश। ये देख सकते हैं कि सिंगापुर में मैं गया था, बिल्कुल उसी तरीके से है ये उसी का कॉपी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी मछलियाँ हैं, फिश है यहाँ पे, सब फैन फॉलोवर्स हैं यहाँ पे, सब
सब इकट्ठा हुए हैं, सब लोग डिज्नीलैंड मेला घूमने आए हैं, आनंद ले रहे हैं डिज्नीलैंड मेला का। आप देख सकते हैं, अच्छा यहाँ पर अच्छा लग रहा है, हाँ यहाँ पर अच्छा लग रहा है, अच्छा है, ये अच्छा बना है। अच्छा ये मछली आप देख सकते हैं, ये अलग तरह की मछलियाँ हैं, और ये देखिए कि कितनी बड़ी मछलियाँ हैं, लगता है शार्क है ये। अब देखिए एलआर ब्लॉक पे हम दिखा रहे हैं, हम आपको पूरा एक्वेरियम है ये फिश का, और हमको तो लगता है कि पहला बार यहाँ पटना में इस तरीके का यहाँ पे आया है। ये तो सबसे बड़ी मछली है, सबसे ज़बरदस्त है मछली यहाँ पर। और फिर से हम आ गए यहाँ, कितना कोलंबस झूला है ये, पहले बचपन में झूला करते थे, लेकिन अभी झूलेंगे ना तो जानते हो चक्कर आ जाएगा इस पर, इसलिए हम नहीं झूलेंगे, हम झूला आप लोग झूलिए, पटना के लोग झूले, एलआर ब्लॉक के जितने सब्सक्राइबर वो झूलिए झूला। अच्छा कुछ कारण से ये कल चालू हो जाए, अच्छा टेक्निकल इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है, एलआर ब्लॉक देखते हैं आप। अच्छा उधर क्या है, रशियन झूला है सर। अच्छा इधर रशियन झूला आपको दिखाने का काम करेंगे, अपने व्यूवर्स को आइए इधर रशियन झूला देखिए, सभी लोग देख लेंगे आपको, बहुत सारे आपके फॉलोअर्स हैं जो नहीं देख पा रहे हैं। हाँ हाँ चल चल, अच्छा ये वाला रसेन झूला, टावर का ही छोटा स्वरूप हो गया, उस टावर से छोटा थोड़ा सा हो गया। अच्छा ये बहुत तेजी में जाता है, एकदम हल्का हल्का स्पीड है इसका। आप देख सकते हैं झूला बड़ा जबरदस्त झूला, आप इधर आइए थोड़ा सा, इधर आइए। डिज्नीलैंड मेरा कितने दिन तक का है ये सर? 5 जुलाई तक, 5 जुलाई तक है। अगर जिसको पास चाहिए वो एलआर ब्लॉक को जो सब्सक्राइब कीजिए और पास ले जाइए, सब्सक्राइब लेकिन हमारे सामने करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगी कि हमने सब्सक्राइब किया। बिल्कुल, मैं आपको पास दूंगा। तो आप देख रहे थे एलआर ब्लॉक, और हमने आपको पटना में जो डिज्नीलैंड मेला लगा है उसको मैंने आपको दिखाने का काम किया है। हमारे व्यूवर्स को कैसा लगा आप इसको कमेंट में लिखने का काम कीजिए, एलआर ब्लॉक पे लिखने का काम कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करने का काम कीजिए एलआर ब्लॉक को। हमने आपको यहाँ का व्यूज़ दिखाया है, फिर अगले दिन कहीं और का आपको व्यू दिखाएंगे, और पूरे पटना में जहाँ जहाँ टूरिस्ट स्पॉट है या कुछ भी पटना में कुछ हलचल होता है तो उसको हम आपको दिखाने का काम करते हैं। फिलहाल के लिए ये डिज्नीलैंड मेला आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए, और हमारे चैनल एलआर ब्लॉक को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।